इसलिए अपनी स्वयं 95 लाख रुपए की कीमत से उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी डीपी इसका भी लोकार्पण नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होगा। 95 लाख रुपए की कीमत से जिन आंखों में पानी न हो अगर आप करेंगे जनता करेंगे सरकार की जन कल्याण का योजना किस तरीके से पहुँच रही है उसका हम लोग का निर्देशन करेंगे उसके बाद मंच पर आएंगे तो जैसे ही संगीत उसी किसान का सबसे बड़ा सम्मान किसान का सम्मेलन के रूप में आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ आयोजित हो रहा है और आप लोगों की भावन उपस्थिति में विशाल जन समूह है आपकी उपस्थिति में गवाह है इस बात की युवा इतना स्नेह करते हैं अपने लाडले विधायक से और अपने जल नेता और गांधी वाली नेतृत्व करता परम सम्माननीय अशोक जी गहलोत साहब से जिन्होंने जो जितने कर्मचारी वर्ग यहाँ पूरे जोश के साथ बैठे हैं उनका जोश ये बता रहा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक निर्णय उन्होंने लिया उसने न सिर्फ राजस्थान को बल्कि संपूर्ण भारत वर्ष के कर्मचारियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था जो अंधेरा नजर आ रहा था उस अंधेरे को दूर करते हुए एक नई रोशनी के माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम का एक नया ऐसा दीपक जलाया जिसकी रोशनी आज पूरे भारत वर्ष को प्रकाशित कर रही है और उसके गवाह ये मेरे सामने बैठे कर्मचारी वर्ग के लोग हैं जो अपने सर पर उस ताज को सजाए बैठे हैं अपने मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार करने के लिए उनका साधुवाद करने के लिए तो हर गाँव गरीब राजस्थान के जननायक राम रक्षा आप चेतन चेतन और अभिनंदन के साथ में बहुत स्वागत और लीजिए राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान श्री अशोक जी गहलोत साहब हम सबके बीच में भारत देश भर में मॉडल स्टेट के रूप में राजस्थान को विकसित करने वाले जननायक का अभिनंदन आप लोग चेतन आप लोग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मान्य श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब हमारे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सम्मान्य श्री रंधावा साहब और हमारे कैबिनेट मंत्री सम्मान्य रामेश्वर जी टूडी साहब हमारे नागौर जिले के प्रभारी मंत्री और गृह राज्य मंत्री सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी यादव साहब हमारे रोहित मोहरा साहब विधायक साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा और एनर्जेटिक प्रेसिडेंट सम्मान्य अभिषेक चौधरी जी हमारे कांग्रेस जिला अध्यक्ष नागौर आदरणीय जाकिर हुसैन यशवंत साहब आप सबका अभिनंदन स्वागत और लीजिए सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ में अपार जन सेवा अभिनंदन कर रहा है आदरणीय जननायक का भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के मौलासर की सरा पर अभिनंदन और नमन स्वर्गीय रूपाराम जी टूडी साहब को जिनके नेतृत्व में भीलवाड़ा ने नया आयाम स्थापित कर उन्हें इस विचारधारा राजनीतिक विरासत और विकास के पद को चेतन जी आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मान्य चेतन जी टूडी साहब से कि वो सर्वप्रथम समारोह के मुख्य अतिथि हमारे जननायक प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का
स्वागत करें सम्मानित विधायक महोदय चेतन जी डूडी। अभिनंदन आदरणीय चेतन जी डूडी के द्वारा जननायक जनता राजस्थान को जिन्होंने मॉडल स्टेट के रूप में देश भर में प्रतिष्ठापित किया है। एक अपार जनसेवा के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। आपनो चेतन आपनो डीवाड़ा बहुत बहुत अभिनंदन। जय जय जननायक। स्वागत की कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह जी रंधावा साहब का अभिनंदन करने के लिए आदरणीय विधायक जी से निवेदन है। चेतन जी से आदरणीय कांग्रेस प्रभारी का अभिनंदन स्वागत आभार। जोरदार तालियों के साथ में रंधावा साहब का अभिनंदन। भीड़वाड़ा किस पावन धरा पर हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जिन्होंने आपको संदेश दे दिया कि आपनों चेतन आपनों डीलवाड़ा को कायम रखना है। बहुत अभिनंदन के साथ और मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, विधायक सरोज बोरा जी, नागौर के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश हुसैन केसावत जी, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष चौधरी जी, नंदकिशोर होगाली जी, प्रेमा राम जी, विधायक खान साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं जो नाश्ता में मेरे को काली काली पार्टी है आपका व्यापी को एमएलए के लिए ताजे बाजी है बाकी भी उनको सुन पड़ेगी जो भी जो काम करेगा वो तो लोग प्यार करेंगे। खुराक होती है कि अगर उसके पीछे पब्लिक है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो मैं चेतन जी आपको कहता हूं कि आप इनको धोखा मत कभी देना। इनकी वजह से हम यहां खड़े हैं। स्वागत भी करती है और उसको उसके काम करने से ज्यादा सत्कार देती है। हमसे ज्यादा बीजेपी में है। कितने लीडर हैं वो अभी बोलकर गए हैं। अध्यक्ष जी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो राजेंद्र राठौर का जो नेता है आप सभी अगर इकट्ठे हो जाओ वो दोबारा जीत नहीं सकता। और जो आप उरी है को नहीं उरी है आज बीजेपी के नेता की गत उरी है। मैं थाराज बता रही हूँ नेता तो बनिया घूमे लेकिन चार आदमी इकट्ठा कोनी वे। जन आक्रोश यात्रा पूरे राजस्थान के मायने काट सत्ता आदमी आपके नेतृत्व में इकट्ठा हुआ बता तो एक लो चेतन डूडी इकट्ठा कर दिया पूरे राजस्थान। अरे चेतन डूडी को शख्स है वो नेता है भी बाप को बेटो है जको रूपाराम जी डूटी माँ के सागे एक कमेटी के मान गए रहा 15 दिन को कोई साथ मांग रहा है कि जो अडानी है इसका पैसा कहां से आया और किसने दिया जो ललित हमारे दिया किसी के भगवानी हमने इसको निपटा दिया। ये कांग्रेस प्रकार का नहीं है ये कांग्रेस प्रकार का है। इसका बन गया कानून बन गया हमेशा के लिए। आप सोचिएगा आप बीमार पड़ते और दोनों कहानी मामूली बात है सभी जुगा जुकाम के अंदर डॉक्टर फीस लो या इस प्रकार के उनको पहले 25-25 साल इलेक्शन नहीं होते थे पंचायतों के नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। आई थी नागौर के अंदर और ये वसुंधरा जी बिना मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाती है ये पूछो 3 के अंदर जब मैं मुख्यमंत्री बन गया था ये तो बड़ी बातें बनी है।
तीन में मैंने नागौर में जिनाया चढ़ाया था इंदिरा गांधी कैंप में पानी लाने का। बाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री बना जाहिर के अंदर हमने इंदिरा गांधी कैंप में पानी बाकी एजेंट छुटा हुआ था नागौर का, उसके लिए मैंने शिलान्यास करवाया था सोनिया गांधी जी से। बिशनपुर का बंद लाने के लिए ऊर्जावन नामा मैंने शिलान्यास किया खुद ने। अब आप बताइए ये तो रिकॉर्ड के अंदर है, नागौर में पानी अगर इंदिरा गांधी कैंप में आया है या बिशनपुर का आया तो हमारी गवर्नमेंट 30 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के से होने जा रही है। बोले ये मुझे एक मिनट को ये हमारे धन्यवाद साहब अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री इन्होंने मुझे कहा है कि छोटू खाकी जो है वहाँ कॉलेज खोलनी चाहिए, तो आप मुझे बताओ बजट तो मैं पेश कर नहीं रहा हूँ और ये मुझे कहते मैं घोषणा कर दूँ तो मुझे जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये नई यूनिट जो बन रही है वागड़ राजा थे अब तो ऐसे ये तो बता कि केले को छोड़ा ऊंचो करे थे थोड़ी आयो आयो कही सके राज्य मीडिया।